मुझे मालूम नहीं था कि रास्ता क्या है, लक्ष्य तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि कोई एनजीओ नहीं तब काम करता था, कोई आदमी काम नहीं करता था, भारत में नहीं बल्कि दुनिया में इस पर कोई काम नहीं होता था। 40 साल पहले लोग सोचते थे स्लेवरी हैज बीन अबॉलिश्ड 100 इयर्स अगो। लेट अस कम एंड ऑब्जर्व द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी डे, ये हो रहा। तो मैंने और सुमेधा जी ने मिलकर एक पत्रिका लिखा कि लोगों तक ज्ञान पहुंचाएं, जानकारी पहुंचाएं। एक दिन हमारे घर पत्रिका के दफ्तर में एक आदमी आया और उसने दरवाजा खटखटाया बहुत। He was frail and looking very weak. तो मैंने उसको अंदर आने दिया, लेकिन वो बेहोश होकर गिर गया और चीख चीख के रोने लगा। मैंने पानी डाला, चाय पिलाई, तब होश आया उसे। तो पहली बात उसने कही, बाबूजी, हाथ जोड़कर मेरे पैर पकड़कर, बाबूजी मेरी बेटी को बचा लो, मेरी सावों को बचा लो। मैंने कहा, क्या हो गया, कौन हो तुम, क्या है तुम्हारी बेटी? तो उसने अपने पजामे के तहमत के अंदर कुछ डाल रखा था, एक पत्रिका थी वो हमारी पुरानी, उसकी कॉपी लेके आया। वो चाहता था कि उसकी कहानी हमारे पत्रिका में छप जाए, क्योंकि हमारी पत्रिका इन्हीं विषयों को लेकर थी। किसी ने उसे वो पत्रिका दी। उसने बताया कि 17 साल पहले उसे और उसकी नवविवाहिता पत्नी को और कुछ और परिवारों को लोग बहला फुसला कर उसके गांव से दूसरी जगह ले गए, अलीगढ़ जिले से पंजाब में ले गए थे ईंट के भट्टे पर काम करने के। गुलाम बन 17 साल में उसके बच्चे पैदा हुए, दूसरों को भी बच्चे पैदा हुए, और जो सबसे बड़ी लड़की थी सावो 15 साल की, उसे खरीदने के लिए एक दिन कुछ दलाल लोग आए, विषय लेके कोठे के दलाल लोग आए, उसके शरीर को छू छू कर देख रहे थे कि कितने में ये खरीदी जा सकती है। भट्टा मालिक कह रहा था कि ये लड़की कुंवारी है, वर्जिन है, इसका ज्यादा पैसा लेंगे, और वो इतना पैसा देने तैयार नहीं थे। मां ने भाग के पति को बताया, उसने सुन लिया कि लड़की के साथ क्या हो रहा है, देख लिया मां ने। वो बाप क्या करता, चीखता तो पिटता, पकड़ा जाता, वो मुंह में कपड़ा ठूसे हुए एक ट्रक के ऊपर जो ईटों से भरा हुआ था, ताकि जब ट्रक निकलेगा आधी रात को बिकने के लिए तो जहां पहुंचेगा वो रोएगा चीखेगा बेटी को बचाएगा। हम ऐसे सब लोग किसी न किसी के भाई हैं, किसी की बहनें हैं, किसी के बाप हैं, किसी के मां, वो भी बात। ट्रक पहुंचा चंडीगढ़, वहां से वो किसी तरह हमारे पास है। जब मैं उसकी कहानी लिख रहा था तो मेरे मन में आया कि यार अगर ये मेरी बेटी होती, ये मेरी बहन होती, तो मैं लिखा पढ़ी लेकर सारी दुनिया को, आसमान को उठा देता। मैंने कहा वासल खान, उस आदमी का नाम वासल खान, मैं लिखूंगा नहीं, तुम्हारी बेटी को आजाद कराऊंगा, चाहे कुछ हो। कहा बाबू जी बहुत खतरनाक लोग, मैं उसे अपने घर ले आऊंगा। और जब हम दिल्ली आके बसे थे मध्य प्रदेश से, मेरे गृह नगर से, कोई हमारे साथ मदद करने तैयार नहीं था। सुमेधा जी के अलावा, सुमेधा जी एक अच्छे शिक्षित और संपन्न परिवार की थी, उनके परिवार ने उनसे नाता तोड़ लिया मेरे से शादी करने की वजह से, और हम लोग वहां एक 8 फीट बाई 10 फीट के कमरे में रहते थे, स्टोर रूम था, किसी के कमरे को सबलेट करके वही हमने बासल खान को सुला खिलाया। सुमेधा जी से कहा कि तुम शादी के गहने दे दो, हम उसको गिरवी रखे या बेच के इंतजाम करेंगे छुड़ाने का, ट्रक ले जाएंगे, वहां 30-40 लोग। तो किसी तरह हमने साथियों को इकट्ठा किया, हम वहां पहुंचे एक ट्रक लेके, हमारी पिटाई हो गई, हमें वहां से नंगे हाथ नंगे पैर फटे हुए कपड़ों में लौटना पड़ा, बासल खान पकड़ा गया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि दुनिया में कोई समस्या समाधान के बगैर पैदा नहीं होती,
हर समस्या की गर्भ में भ्रूण की तरह समाधान पलता रहता है। हमें उस समाधान को देखना चाहिए, वो नजर चाहिए, धैर्य भी चाहिए, समझदारी भी चाहिए और इंतजार भी चाहिए। तो मैंने कहा कि इस समस्या का भी कोई समाधान निकलेगा, हार मानने से काम नहीं चलेगा। जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो पुरानी कहावत है कि कम से कम दो रास्ते खोल देता है, आपकी नजर होनी चाहिए। तो मुझे एक वकील मित्र ने बताया कि लेट अस गो टू द कोर्ट इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड फाइल ए रिपिटिशन। सो वी फाइल ए रिपिटिशन अंडर हैबियस कॉर्पस, दैट वाज ओल्ड ब्रिटिश प्रोविजन। उसका नतीजा ये हुआ कि वो स्वीकार कर लिया उन्होंने और चंद दिनों के अंदर ही नोटिस जारी हुआ। पंजाब सरकार ने लाके सबको कोर्ट में प्रोड्यूस किया और 36 बच्चे, औरतें और आदमी छूट। पंद्रह साल की साबो जो वेश्यालय में बिकने वाली थी, जब वो खुले आसमान के नीचे आई दिल्ली में, तो वो और दूसरे बच्चे बंदरों की तरह उछलने लगे। उनको पता नहीं था कि ये सड़कें कैसी होती हैं, मकान कैसे होते हैं, कारें कैसे होती है। कार वाले हम करे जा रहे हैं और बच्चे बंदर की तरह उछल रहे हैं, या मेंढकों को अगर भर दो किसी डब्बे में और डब्बा खोल दो। तो इस तरह वो मुक्त होके उछल। और मैं बताऊं कि मैं बचपन से बड़ा थोड़ा सा अध्यात्म मेरा रुझान रहा है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में अंग्रेजी में सब पढ़ता था, लेकिन संस्कृत मैंने इसलिए पढ़ा कि मैं वेदों को, शास्त्रों को समझ सकूं। हालांकि सुमेधा जी संस्कृत में एमए हैं, लेकिन मुझे संस्कृत पढ़नी पड़ी पहले। तो मेरी शादी और हमारे प्रेम के पीछे भी ये था कि थोड़ी बहुत संस्कृत मैं भी जानता था और जानती थी। तो मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में सब पढ़ा, इतिहास में आजादी के बारे में, लेकिन आजादी, मुक्ति, मोक्ष, ईश्वर, मुझे कह नहीं सकता मैं कि किसने उसके दर्शन किए हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। जरूर किए होंगे लोगों ने, कैसे दर्शन किए हैं मैं कह नहीं सकता हूं, शायद अनुभव किया हो। लेकिन जीवन में पहली बार जिस समय वो बच्चे उछल रहे थे, उनके चेहरे पर जो आजादी की मुस्कान थी, जो माओं के चेहरों पर खुशी से आंसू ढलक रहे थे और बार बार वो चूम लेती थी अपने बच्चों को, उस ममत्व के साथ मुझे उन बच्चों के चेहरों पर ईश्वर के दर्शन, मुझे ईश्वर के दर्शन माओ के आंसुओं में जो खुशी से बह रहे थे। और मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसने एक दो बार, दस बार नहीं, कम से कम 86,000 बार इस तरह के जब भी मैं माँ को की गोद में उस बच्चे को पहुंचाता हूं, जो माँ आशा को चुकी थी कि कभी मेरी गोद में बैठेगा, तब मैं देखता हूं उस मुस्कुराहट में ईश्वर। लेकिन ये एक सिर्फ आध्यात्मिक या नैतिक या मानवता की, भारत में कानून नहीं थे, हमने कानूनों की लड़ाई लड़ी और 1986 में पहला कानून बना। दुनिया में कोई कानून नहीं था, दुनिया में कोई कानून नहीं था इस बुराई के खिलाफ जिसको हम वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कहते हैं आज कानून की भाषा में। 1997 में मेरे दिमाग में आया कि हमको वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, पूरी दुनिया की यात्रा की जाए। लोग मूर्ख समझ रहे थे, हमें हंस रहे थे, हम पे मजाक कर रहे थे। पैसा नहीं मेरे पास, मैं सरकार में नहीं, मैं कह रहा था अंतरराष्ट्रीय कानून बनवाऊंगा। लोग कहते थे कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो। हमने कहा जनता की नैतिक शक्ति में जो बदलाव की तूफान की ताकत है, वो किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के अंदर नहीं। नैतिकता की शक्ति से बड़ी कोई सत्ता की शक्ति नहीं होती, और वो नैतिकता की शक्ति प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा ने दी है पहले से, जिसको हम भूल रहे हैं, जानबूझ के दबा रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा उसी शक्ति के आधार पर हम काम करेंगे। हमने 103 देशों की
80,000 किलोमीटर लंबी यात्रा की, 80,000 किलोमीटर, दैट इज ऑलमोस्ट डबल द पेरिफेरी ऑफ द अर्थ, और अलग अलग तीन यात्राएं करके जिनेवा पहुंचे इस मांग के साथ कि एक अंतरराष्ट्रीय कानून बने यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग जिनेवा में, और आईएलओ की जनरल असेंबली में वो हुआ हमारा समापन। उसके परिणाम स्वरूप उसी दिन एक प्रस्ताव पास हुआ कि ऐसा कानून बनना चाहिए, और एक साल के अंदर कानून बन गया। आईएलओ कन्वेंशन ऑन द वर्क फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर वाज़ द कंप्लीट रिजल्ट ऑफ दिस लॉन्ग विश्व यात्रा, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और तब दुनिया में 26 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते थे, आज से 17 साल पहले। अब उनकी संख्या घटके 15 करोड़ रह गई, 26 करोड़ से 15 करोड़ रह गई है। अगर 11 करोड़ बच्चों को हम लोग 15 साल के अंदर आजादी दिला सकते हैं, तो आगे आने वाले 10 साल में हम दुनिया के प्रत्येक बच्चे को आजादी देंगे, उनका बचपन लौटाएंगे, उसको शिक्षा के प्रयोग करेंगे। भारत में हम जब बच्चों को छुड़ा के स्कूल में दाखिला कराते थे तो हमें बहुत अपमान सहना पड़ता था। टीचर लोग, हेडमास्टर कहते थे, तुम बार बार ऐसे बच्चों को लेके आ जाते हो जिन्हें ना बोलने का तमीज, ना कपड़े पहनने का तमीज, करें क्या हमें स्कूल में दाखिला कराना। तो हमने कहा हम लड़ाई लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? हमारे वकीलों ने कहा कि तुम इसलिए लड़ाई नहीं लड़ सकते कि भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए कोई कानून नहीं। तो हमने कहा कानून बनवाने की लड़ाई लड़ते। तो उन्होंने कहा नहीं लड़ सकते, क्योंकि संवैधानिक भी प्रावधान नहीं, भारत का संविधान शिक्षा को अधिकार नहीं मानता था। इट वॉज द पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बट नॉट द फंडामेंटल राइट। एक दिन मेरे साथ मुझे के हेडमास्टर और कई लोगों ने ऑलमोस्ट धक्के मार के निकाल दिया। उस दिन मैंने फैसला किया कि यार हम भारत का संविधान भी बदलें। तो लोगों ने कहा तुम तो यार कॉर्पोरेट का चुनाव नहीं लड़े कभी, एमएलए एमपी की बात छोड़ो, अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी चाहें तो संविधान नहीं बदल सकते, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए संविधान बदलने के लिए। हमने कहा नहीं। 2001 में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर होते हुए हम लोगों ने एक भारत यात्रा की, द मार्च फॉर एजुकेशन, इस डिमांड के साथ कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करो। सैकड़ों संगठन जुड़े, 163 सांसद हमारे साथ शामिल हुए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लीडर ऑफ अपोजिशन ने हमसे बात किया उस समय 2001 में, और सबने कहा कि ठीक है। और 6 महीने के अंदर भारत के संविधान में संशोधन होकर शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया। आप जैसे आज ही कहते हैं राइट टू एजुकेशन, उस राइट टू एजुकेशन के लिए मैं उस टीचर को धन्यवाद देता हूं, हेडमास्टर को, जिसने मुझे धक्के मार के निकाल दिया कि मैं तुम्हारे हुए लाए हुए बच्चों को दाखिला नहीं दूंगा। अब कोई भी दुनिया का मां बाप, भारत का कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता कानून को लेके जा सकता है, एडमिशन देना ही पड़ेगा क्योंकि शिक्षा मौलिक अधिकार। बहुत सारी चीजें हुई भारत के अंदर ही 15 सालों के अंदर। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 12.3 or 4 million थे, करीब 1.25 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते थे, जो संख्या घटते घटते अब 45 लाख सरकार के हिसाब से, 1/3 रह गए। तो हम इसका समापन कर सकते हैं, काफी कर सकते हैं। बोलो, करते नहीं कर सकते? मैंने आपको इतनी ठोस बातें बताई, आप नहीं कर सकते क्या? सूरत में भी कर सकते हो। अरे इतना स्लो बोल रहे, ये नौजवान किस काम के? कितने लोग यहाँ पर नौजवान हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर। अरे आप हाथ ऊपर करिए, असली नौजवान तो आप। जी, नौजवान क्या होता है? जो बड़ा सपना देख सके। सपना देखना बंद किया, बुढ़ापा शुरू। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, जो सवाल खड़े कर सके। जिस वक्त आपने सवाल खड़े करना बंद किया, फुल स्टॉप लग गया, बुढ़ापा शुरू, मौत का रास्ता तय। सवाल खड़े करो बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। आज एक सबसे बड़ी बुराई जो हमारे समाज में है कि जिस एक घंटे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, 20 मिनट तो मेरे हो ही गए, शायद और थोड़ा 4-5 मिनट 2 मिनट बोलूंगा,
हर एक घंटे के अंदर चार बच्चों के साथ बलात्कार होता है या उनके साथ यौन शोषण, ये सरकारी आंकड़ा है एनसीआर की रिपोर्ट। सच्चाई इससे 10 गुनी 20 गुनी बुरी हो। ट्रूथ इज बिटर एंड बिगर देन दिस 10 टाइम्स 20 टाइम्स। देयर आर रिपोर्ट्स दैट 70% ऑफ दीज users, monsters are none but the very relatives, family members or friends of father, friends of brother. तो कोई जाता नहीं पुलिस के पास, फूफा चाचा मामा ताऊ जो गलत तरीके से छूते हैं शरीर को बच्चे की, बच्ची घबराती है, मन में संकोच करती है, कसमसा के रह जाती है, कई बार अपनी माँ को कहेगी नहीं भी कहती है, कहती है तो माँ कहती है चुप रह, ये तो तेरा फूफा है, दो घर बर्बाद हो, अपने बाप को मत बता। अगर हमारे घर में हमारी बेटी हमारी बहन, गुजरात बहुत सुरक्षित है और राज्यों के मुकाबले, लेकिन देश में मुझे कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया। मैं मंत्रियों से बात करता हूं, पूछता हूं, मैं जजेस से पूछता हूं, मैं पुलिस के हेड से पूछता हूं कि अगर आपकी बेटी कॉलेज गई है और शाम को 6 बजे लौटती है और 9 बजे तक ना लौटे तो आप क्या सोचो? बोले हम फोन करेंगे, पता करेंगे, 10 फोन करेंगे, 100 फोन करेंगे, घबरा जाएंगे, पैनिक हो जाएगा पूरा परिवार। किसी की भी बहन और बेटी अगर स्कूल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी से जॉब से अगर ना लौटे, रात हो जाए, देर हो जाए, किसी अनजान टैक्सी में उसे आना पड़े तो पूरा परिवार परेशान होगा। इस महान देश में हमारी बेटियों को हमारी बहनों को हमारे परिवारों को डर में जीना पड़े, ये मुझे स्वीकार नहीं है। और मैं चाहता हूं कि भारत के किसी भी नागरिक को यह स्वीकार ना हो कि किसी भी बेटी को परिवार को डर में जीना हो। इस बुराई के खिलाफ लड़ाई, चुप्पी तोड़नी, केवल सरकारों पर दोषारोपण करने से समाज नहीं बदलता। समाज बदलने के लिए खुद भीतर से मजबूत होना पड़ेगा, अपनी उस नैतिकता को जगाना पड़ेगा, हिम्मत को जगाना पड़ेगा, चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, खासकर हमारे नौजवान नवयुवतियों को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। हर रोज हम अखबार में पढ़ते हैं हमारा सर सबसे नीचा। घटना केबीसी में भी एक लड़की ने हमसे कहा, वो बहुत फूट फूट के रो रही थी पुलिस थाने से लौटने के बाद, कह रही है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। क्या गलती हो गई, हमने पूछा। बोली मैंने अपने पिता के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, उस अपराध बोध में गिल्टी कॉन्शियस में मरी जा रही। फिर आगे बोली रोते हुए रात मैं बहुत थकी हुई थी, मेरा शरीर टूट रहा था, बुखार था मुझे। मैंने अपने पिताजी से कहा, पापा आप मुझे माफ कर दो, आज मुझे माफ कर दो प्लीज, लेकिन पापा ने मुझे माफ नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ जो वो रोज करते थे और मुझे भाग कर सुबह पुलिस में जाना। ये दुर्गा का देश, हम शक्ति के रूप में मां को पूजते हैं, ये सरस्वती का देश है, विद्या के रूप में हम सरस्वती को पूजते हैं, ये लक्ष्मी का देश है कि धन के रूप में वैभव के रूप में हम फिर एक मां को पूजते हैं, एक बहन को पूजते हैं, एक बेटी को पूजते हैं, नवरात्रियां रखते हैं। लेकिन हमारे समाज में क्या हो गया है, हमारे अंदर क्या हो गया है, कितना बड़ा महारोग हमारे अंदर लग गया है कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है उनके बाप के साथ इस देश में। तो सुरक्षित भारत बनाने के लिए सुरक्षित बचपन जरूरी, सुरक्षित जवानी जरूरी है। ये काम हम करेंगे, आप करेंगे, हम सब मिलकर। इस देश को अगर महान देश बनाना है तो डर में नहीं बनेगा,
व्यभिचार में अत्याचार में नहीं बनेगा, किसी की गुलामी करने से नहीं बनेगा। अगर इस देश को महानतम ऊंचाइयों पर पहुंचाना है, एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, एक बार फिर से जगत गुरु बनाना है, तो हमारे भीतर के इंसान को जगाओ, हमारे भीतर के भारतीय को जगाओ, हमारे भीतर की उस संतान को जगाओ जो संतान इन महापुरुषों की संतान है, जो गांधी जी की और पटेल की संतान है, उसे जगाइए अपने भीतर से। आप भी साथियों, भारत को सुरक्षित बनाने के लिए आप लोग तैयार हैं? इतने धीरे बोलोगे आप? कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करिए, रेज योर हैंड्स। मैंने ये नहीं कहा कि एक ही हाथ ऊपर करिए, मैंने प्लूरल कहा रेज योर हैंड्स। किरण कुमार जी रेज योर हैंड्स। आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर हैविंग टू हैंड्स और जस्ट वन। क्या हुआ आपके साथ, दोनों हाथ ऊपर हैं? तो सुरक्षित भारत बनाएंगे, समृद्ध भारत, स्वच्छ भारत, लेकिन उसके साथ जरूरी है सुरक्षित भारत। सुरक्षित भारत में आप हमारे साथ जुड़िए। जुड़ गए एक तो हाथ ऊपर करके, और इसमें हमने पूरी दुनिया में एक कैंपेन चलाया है 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन, 100 मिलियन यंग पीपल आर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस ग्लोबली, एंड मोर देन 100 मिलियन यंग पीपल लाइक यू wearing those black shirts are not only full with enthusiasm and energy and power, but you do have an element of idealism, a morality. Wo mar na paaye, usse dafan na kar de samaj ke log, usse pehle aap change maker baniye. Need not to look a hero outside on silver screens. There's no hero, they are actors. They are just actors, and they get huge amount of money for reciting those dialogues or making an acting. अपनी माँ को अगर वो गले लगाता है, बूढ़ी माँ हो रही है और कमाई करके लाता है पुलिस वाला एक्टर, तो माँ के पैर छूने के पैसे लेता है, अपनी प्रेयसी की किस करने के पैसे लेता है, वो किस कराती है उससे ज्यादा पैसे लेती है। लेकिन आप अगर कभी किसी को पैर छूते हो तो पैसे मांगते हो किसी डायरेक्टर से? देता है कोई? आया ना? नहीं देता ना? किसी की भलाई करते हो कोई आपसे डायरेक्शन कराता है? आप खुद अपनी मर्जी से करते हो, इसलिए असली हीरो कौन है? जो असली हीरो है हाथ ऊपर करो, नकली हीरो होगा तो मत करना। आप नकली आपने जी क्यों कर दिया, असली हीरो तो आप है। जोर से बोलिए, हम ही असली हीरो हैं, हम ही देश को बदलेंगे, हम ही भारत को पुरानी गरिमा दिलाकर महान राष्ट्र बनाएंगे। हम अपने इलाके में किसी भी बच्चे के साथ जुल्म नहीं होने देंगे, बलात्कार नहीं होने देंगे, हिंसा नहीं होने देंगे। तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सूरत की सारी जनता को, मेरी बहनों को, भाइयों को, बेटों को, धन्यवाद। Thank you, sir.